दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चली आप लोगों की तैयारी? तो बिहार एसआई का जो प्री है वो नज़दीक आ रहा है धीरे धीरे, और आप लोग की जो तैयारी है सेल्फ असेसमेंट आप लोग कर रहे हैं अपना। हम लोगों ने भी और हमारी टीम ने भी आपके लिए काफ़ी कुछ किया है। द एग्ज़ाम पोर्टल का जो हमारा मिशन 2213 का ग्रुप है उसमें हमने लगभग काफ़ी कुछ करा दिया है, तो आप लोगों को मोटिवेशन मिलता रहे वहाँ पे जाने पे। लाइफ कैसी होती है, आप क्या अफसर जैसी लाइफ होती है, कैसा फील करते हैं, उसको लेके काफ़ी मैसेज आ रहे थे, और वहाँ के डेली रूटीन के बारे में कुछ आप लोग जानना चाहते थे। तो मैं एक बेसिक इंट्रोडक्शन के साथ वो वीडियो बना दे रहा हूँ शॉर्ट में ही, क्योंकि वहाँ और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा पीछे की वहाँ के कुछ इमेजेस, कुछ वीडियोज़ आपको दिख रहे होंगे जो आपको एकेडमी से कनेक्ट करेंगे। तो हमारा जो रूटीन टाइमिंग होता था वो दो टाइम होता था, एक 5 बजे होता था, 4 बजे, वो डिपेंड करता था सीज़न के ऊपर। तो मान लीजिए कि आपको 4:30 बजे सुबह उठ जाना होता था, और उठ के फ्रेश होके शेविंग वगैरह करके हाफ पैंट और टी शर्ट में, ये सामान्य से समय में, और बाकी ठंड में फुल होता था और जैकेट होता है जो स्वेटर होता है पहन के ग्राउंड में जाना होता था। सबसे पहले राष्ट्रगान होता था, लाइन में हम लोग लगते थे, हमारी काउंटिंग होती थी, उसके बाद एक जो 10B करके एक वहाँ पे बिल्डिंग है आप लोगों को पता चलेगा, उसके 2 या 3 राउंड लगाने होते थे। 3.5 किलोमीटर, 4 किलोमीटर के आसपास डेली आपको रनिंग करना होता था। बट उसमें हमारे जैसे कुछ लोग थे तो साइड से निकल लेते थे या कहीं छिप जाते थे, या कुछ जो लोग कमज़ोर लोग होते हैं हमारे जैसे लोग जो बात नहीं सुनते पीछे पीछे रहते हैं, तो उनको वहाँ पे मकरा कहा जाता था। तो हम लोग थोड़ा सा मकरागिरी कर देते थे, इधर उधर छिप जाते थे या कम दौड़ते थे, कोई ना कोई बहाना बना लेते थे। हालांकि सामान्य से हिसाब से रनिंग ठीक थी। तो फिर उसके बाद एक रनिंग का पीरियड होता था, उसमें पीटी में आप रनिंग करके आते थे तो बॉडी गर्म होता था। तो छोटे छोटे एक्सरसाइज होते हैं जो आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, वो एक्सरसाइज करने के बाद फिर आपको 10 मिनट का ब्रेक मिलता था, जिसमें आपको अपना वर्दी चेंज करना होता था परेड के लिए। परेड हाफ वर्दी होती थी, कभी कभी हाफ वर्दी मतलब ऊपर टी शर्ट नीचे आपका जो पुलिस का पैंट होता है वो वाला, या कभी फुल वर्दी में भी किसी स्पेशल ओकेजन पे हम लोगों को परेड कराया जाता था। तो एक परेड 40 मिनट का होता है, और उसके बाद आपको मिलता है 10 मिनट का फिर से ब्रेक, या 5 मिनट का ब्रेक मिलता है। उस ब्रेक के बाद पानी वानी आप पी लेते हैं, फिर एक परेड होता है। तो पीटी और परेड मिला के 8 साढ़े 8 बजे हम लोग को छोड़ दिया जाता था। लाइन से जाते थे, वहाँ मेस में फिर भीड़ हो जाती थी, मेस में गैदर होते थे लोग, कुछ लोग खाते थे क्योंकि कभी पूड़ी रोटी बनता था तो गर्मा गर्म रहता था, तो उसके चक्कर में लोग पहले ही डायरेक्ट घुस जाते थे। हम लोग भी कभी कभार आराम करने के चक्कर में अदरवाइज ऊपर चले जाते थे, फिर बैठ के कोई पेपर पढ़ रहा है, कोई गप मार रहा है, हम लोग गप्पे बाज वाली टीम में थे, तो इधर उधर इसकी चुगली उसकी चुगली करना है सब सुनते रहते थे कहानियाँ। और उसी में कुछ लोग थे जो स्नान ध्यान करते थे, वो वही पीरियड होता था। आपको 1 घंटे का 8:30 से 9:30 का ब्रेक मिलता है, जिसमें कि आप अपना आपको ब्रेकफास्ट भी करना है और आपको वो सब काम करना है, जैसे स्नान कर लिया और आप तैयार होके क्लासेज होते थे 9:30 बजे से। तो हम लोग तो थोड़ा डेली लेट हो जाते थे, वहाँ जाइएगा तो मेरा नाम अगर लीजिएगा तो सारे टीचर्स बताएंगे कि एक नंबर का मकड़ा था, पीछे ही रहता था क्लास में। हम लोग फिर क्लास 9:30 बजे से, हमारी क्लास 10:45 में हमारी क्लासेस स्टार्ट होती थी, 9:45 से बीच में हर 40-45 मिनट की क्लास होती थी, 2-4-5 मिनट का गैप मिलता था, और 3-4 क्लास के बाद 1 बजे, एक क्लास के बाद 15 मिनट का होता था मिड ब्रेक, जिसमें कैंटीन बना हुआ, वहाँ पे एक कैफेटेरिया है और एक कैंटीन है। कैंटीन जो क्लास के पास है, जो प्रशासनिक भवन है उसके पास है, और जो कैंटीन एक कैफेटेरिया और जो कैंटीन है वो पीछे है, जो हम शाम वगैरह में जाते थे समोसा चाट पकौड़े वगैरह मिलता था। कैफेटेरिया में जनरली जूस वगैरह मिलते थे, और वहाँ पे जो हमारे अफसर्स होते थे, सीनियर्स होते थे, उनके लिए बेसिक रहता था, तो ये सब होता था। फिर 4 क्लासेस होते थे, 1 बजे, 1:15 बजे हम लोग को वहाँ से छोड़ दिया जाता था। फिर वही मेस में आते थे, मेस में आके लंच करते थे, दिन के हिसाब से मेन्यू निर्धारित रहता है, लंच करिए या ऊपर जाके ड्रेस बदल के आके खाइए। हम लोग कभी खा लेते थे फिर, या तो कभी ऊपर ले जा खा लेते थे, या फिर आके ऊपर से खाते थे, और कभी बाहर से भी मंगवा लेते थे। तो इस तरीके से खाते खाते 2 बज जाता था, 3:30, कभी 4:45 या 4 बजे फिर से हमारा वही हाफ वर्दी होती थी। हाफ वर्दी जैसा मैंने बताया, ऊपर में टी शर्ट और नीचे में वही पुलिस वाली पैंट पहन के ग्राउंड में जाना होता था। उस समय भी एक फिजिकल, कभी कभी फिजिकल एक्टिविटी भी करा देते थे। वहाँ पे 2 पीरियड होता था परेड का, 1 पीरियड, 2 पीरियड, फिर एक स्पोर्ट्स पीरियड भी होता था। तो कुछ लोग बैडमिंटन खेलते थे, कुछ लोग फुटबॉल भी बीच में चलने लगा था, वॉलीबॉल सबसे ज़्यादा चलता था, और हम लोग बदकूचन वाले थे, इधर उधर देखते रहते थे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स में एक्टिव नहीं था, लेकिन वहाँ पे इतना भीड़ था कि बट मैं खेल नहीं पाता था, काफ़ी लोग नहीं, तो हम लोग इधर उधर घूमते रहते थे कौन क्या खेल।
फिर उसके बाद स्पोर्ट्स पीरियड बड़ा मज़ेदार होता था, उसमें बहुत सारी कहानियाँ भी होती थी, आप लोग समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो उसमें सब अपना अपना हिसाब किताब गोटी फिट करता था और हम लोग पीछे से वो जो मज़े लेने वाले लोग होते हैं उनमें रहते थे। फिर उसके बाद इसके बाद प्रार्थना होता था, प्रार्थना होने के बाद सब लोग फिर अपने बैरक की तरफ आते थे, और बैरक के पास आने के बाद ये टाइम जो होता था आपका होता था 6 बजे से 9 बजे तक, क्योंकि 9 के बाद 10 बजे, 10 साढ़े 10 बजे तक लोग सोना शुरू कर देते हैं। तो आप को जो रूटीन में या यदि बुक लेना है, चाट चाउमीन खाना है, खिलाना है, या फिर कुछ और बुक्स मतलब कपड़े लेने हैं, सॉक्स लेने हैं, कुछ भी करना है, तो आपका पीरियड है, पढ़ना है, घर पे बात करना है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू होता था वहाँ पे, छत भी है तो आप कर सकते हैं इस तरीके से। फिर 8-9 बजे से खाना मिलना शुरू हो जाता था, खाइए टहलिए, बहुत बड़ा ग्राउंड है, घूमिए फिरिए घुमाइए। और उसके बाद 10 साढ़े 10 11 बजे तक सब लोग सो जाते थे, कोई मूवी वगैरह के एडिक्टेड थे, जैसे कि हम लोग कुछ मूवी वूवी देख के सोते थे, 11 11 बजे तक सोइए, फिर उसके बाद आप 4 बजे फिर वही रूटीन। तो ये रूटीन है आपको बिहार पुलिस एकेडमी का, जो कि काफ़ी मज़ेदार है। धीरे धीरे शुरू में तो टफ लगता है, फिर धीरे धीरे कभी बोरिंग भी लगता है, कभी एक्साइटमेंट भी लेके आता है। कुछ स्पेसिफिक पर्व जैसे अभी तो दीपावली पिछले बार हम लोगों ने मनाया था, दीपावली में बढ़िया लगता है, रंगारंग कार्यक्रम भी होता था वहाँ पे, कल्चरल हेड समझिए कि मैं ही था, कुछ प्रोग्राम्स होते थे तो उसमें मेरा नाम जरूर होता था कि संग्राम सिंह ही उसको ऑर्गेनाइज कराएंगे। तो एक बढ़िया सा टाइम बीता है ये लंबे समय, कोविड के चलते लेट तो हो गया, लेकिन आप लोग जो लोग जा रहे हैं उनको एक बेहतर अपॉर्चुनिटी मिलेगा, या जो लोग जाएंगे ये अभी ये वाले उनको भी बढ़िया, जैसे जैसे टाइम बीतेगा एक्सपर्ट बीपीए भी अपने फील्ड में एक्सपर्ट हो जाएगा, ट्रेनिंग में जो कमियां रह जाती है उसको पूरा करेंगे और बहुत मज़ा आएगा। वहाँ पे काफ़ी लोग हैं, काफ़ी अच्छी अच्छी चीज़ें हैं, हर कुछ है आपके सुविधा के अनुसार, तो आपको मिलेगा। तो आप लोग जाइए, जो 26 दिसंबर को एग्ज़ाम दे रहे हैं वो लोग के लिए भी बढ़िया अपॉर्चुनिटी है, मेंस से कीजिए, नहीं तो फिर 1 साल 2 साल कितना टाइम लगेगा सब इंस्पेक्टर बनना। बिहार में ठीक ठाक रेपुटेड जॉब है, एक बढ़िया ये मान सकते हैं, तो आप इसको अवेल करिए। और कुछ और चीज़ें होंगी तो हम आगे डिस्कस करेंगे। जय हिंद।